जय माता की। नवरात्र के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ सकंद माता की उपासना की जाती है। सकंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें सकंद माता कहा जाता है। भगवान सकंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। सकंद माता का स्वरूप। सकंद माता की चार भुजाएं, जिनमें से माता ने अपने दो हाथों में कमल का फूल पकड़ा है, उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई, जिसमें वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और एक हाथ से उन्होंने गोद में बैठे अपने पुत्र सकंद को पकड़ा हुआ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है, हर कठिनाई दूर करती है सकंद माता। शास्त्रों में माँ सकंद माता की आराधना का काफी महत्व बताया गया। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि मन को एकाग्र रख और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करें तो साधक और भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। स्नेह की देवी है सकंद माता। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है और माता को अपने पुत्र सकंद से अत्यधिक प्रेम है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती है। सकंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उन्हें स्नेह और ममता की देवी माना जाता है। सकंद माता के लिए विशेष भोग। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना अति शुभ है। यह प्रसाद ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। माँ का मूल मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सकंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र के जाप मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सकंद माता भक्तों के कल्याण हेतु अति तेजस्वी रूप में दिखाई देती है, जिनका दर्शन अति कल्याण देने वाला, जो कि धन धान्य व संतान को देने वाला। यह माता सभी प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली है, सब में व्याप्त रहने वाली है। इनकी कृपा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। माँ ही संसार को उत्पन्न करने वाली, उन पर वात्सल्य बरसाने वाली है, चाहे कितनी भी कठिन स्थिति हो, पर यह संसार का कल्याण करना कभी नहीं भूलती। माँ जिन पर प्रसन्न रहती है वे ही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। माँ सकंद माता तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी माँ सकंद माता को कोटि कोटि प्रणाम। जय माता की।